आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली एक बहुत बड़े खतरे में है, भयानक पोल्यूशन। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको पता है ना कि भारत में हर मतलब पूरे साल 16,07,000 डेथ्स होती है पोल्यूशन की वजह से, जिसमें से 9 लाख तो खाली PM 2.5 की वजह से होते, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो कि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोन 10^-6 मीटर, और छेद देंगे मतलब आप उनको इनहेल करेंगे, सबको देखते देखते एकदम जाएंगे, लंग्स पे चिपक जाएंगे और आपको बीमार कर देंगे। इस समय इतना पॉल्यूशन है, 10 से 15 सिगरेट आप पी रहे हैं बिना कुछ किए हुए। आप तो बोलते हैं मैं सिगरेट पीता नहीं हूं सर, सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता। जहरीली हवा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM 2.5, सबसे इंपॉर्टेंट PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर एंड ओजोन, तो इन सबको मिला के बनता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, जो कि कितना ज्यादा है। अगर देखिए 0 से 100 होता है, हालांकि 0 से 50 गुड होता है, 50 से 100 मॉडरेटरी होता है, मतलब 0 से 100 तक ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल है, 100 से 200 तक अनहेल्दी है, 200 से ऊपर, 200 से 300 तक पुअर है, 300 से 400 तक वेरी पुअर है, और 400 ऊपर सीवियर है, सीवियर प्लस कैटेगरी, समझ रहे हो। तो हम 400 के ऊपर खड़े हैं, दिल्ली के धीरपुर में 545, इतना AQI तो कभी देखा ही नहीं। बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है पॉल्यूशन की वजह से। परेली जो स्टबल बर्निंग है, पंजाब में 33%, 13,500 इंस्टेंस देखने को मिले, हरियाणा में 33% डाउन भी हुए। इस बार दिल्ली का जो AQI था, अच्छी बात यह है कि दिवाली के बाद AQI, दिवाली से पहले 300 कितना 14 के करीब था, और दिवाली के बाद AQI 302 हुआ, तो यानी कि इस बार दिवाली से तो पॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप देख लीजिए, अब हम इतना पटाखे कहते हैं, अभी तो पटाखे नहीं चल रहे, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा पॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है, तो बुरी हालत है इस समय दिल्ली की। और दोस्तों कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये रेड में देखो, आप रेड में ये जहां जहां रेड है, ये दिल्ली का मैप है ना, जहां जहां रेड है वो सब 401 के ऊपर, ये वाला मतलब इस वाली कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। हर जगह पूरी दिल्ली रेड ही रेड हो रखी है इस समय, ठीक है। हालात इतने ज्यादा खराब है, सिर्फ यहां पर आपको येलो देखने को मिलेगा, बट ये भी पुअर कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि दिल्ली की हवा जहरीली है। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, भारत में बहुत सारी मेट्रो सिटीज की हवाएं जहरीली हैं। सफर पता है ना, सफर सिस्टम जो लॉन्च किया गया था 72 घंटे पहले ही, वो बता देता है कि एयर क्वालिटी कैसी होने वाली है, पहले से इमरजेंसी प्लान तैयार कर लो। मेट्रोपोलिटन सिटीज के लिए वो लॉन्च किया गया, IIT दिल्ली ने उसको बनाया। लेकिन दोस्तों सफर, ये तो चलिए हमारे सिस्टम ऐसे बना रही है कि अब पहले से ही हम पता लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी कैसी रहेगी, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, हम देखेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी एरिया वाइज देखेंगे और भी बहुत सारी चीजों पर नजर डालेंगे हम। फिलहाल हमारा शानदार ज्योग्राफी का कोर्स है, बड़ा ज्योग्राफी का कोर्स इतना बढ़िया निकाला है, राइट ब्रेन में छप जाएगा, तुम कभी भी कोई भी चीज भूलोगे ही नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, 6 नवंबर से क्लासेस जो है वो शुरू होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 401 से 500, कुछ जगह तो 500 से ऊपर चला गया जो AQI है दिल्ली NCR में। अब आपको पता ही है 26 स्टेशंस बनाए गए, मॉनिटरिंग स्टेशंस, एंटी स्मॉग गन्स, हालांकि अभी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसको GRAP ग्रैप बोला जाता है, उसका Stage 3 लॉन्च कर दिया है। जब हवा बहुत ही खराब पुअर कैटेगरी में होती है, ये दिल्ली के लिए बनाया क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो जब हवा बहुत ही खराब कैटेगरी में होती है, 200 से ऊपर जाता है, तो हम Stage 1 लॉन्च करते हैं। Stage 1, अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे, गाड़ियों पर नियंत्रण और इवेंट स्कीम चलाई जाएंगी इस तरीके से। Stage 2 में फिर थोड़ा सा और, जब पुअर कैटेगरी में चला जाए, सीवियर कैटेगरी में, सीवियर और सीवियर प्लस कैटेगरी में, सीवियर प्लस कैटेगरी मतलब 500 से ऊपर, सीवियर कैटेगरी में सब कंस्ट्रक्शन बंद, ये Stage 3 होता है। ये जितने भी जहां पे भट्टियां हैं वो बंद, व्हीकल को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करो। 226 के करीब एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई है, वो पूरी दिल्ली में तैनात है। यहां पे मिनिस्टर मंत्री जी यही बोल रहे हैं कि भैया 500 से ज्यादा लोग तैनात किए हमने, 586 के करीब, 586 लोगों की टीम बनाई और वो एकदम रेडी है पॉल्यूशन से लड़ने के लिए।
स्प्रिंकलर सिस्टम्स हमारे रेडी हैं, सब कुछ बढ़िया सी, सब कुछ चंगा सी, हम चीजें कर लेंगे कंट्रोल में। लेकिन दोस्तों ये सब तो देख के लगता ही नहीं कि कुछ कंट्रोल में आने वाला है। देखिए पॉल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। पॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि भारत का जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम बेसिकली ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चालू, और बहुत सारे भारत ने प्रोग्राम चलाए हैं, ठीक है। पॉल्यूशन के लिए हम सब परेशान हैं, और भारत भी भाई यहां पे 2024 आते आते कम से कम 30% तो हमको इसको कम करनी है। लेकिन हमको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हमको डेवलपमेंट के पाथ पे जाना तो इंडस्ट्रीज चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पीएम 2.5 आ कहां से रहा है, ये डस्ट है, मैन्युफैक्चर यही सब तो आ रहा है ना, यही सबसे आता ही है, तो क्या हम इसको रोक दें? सबसे जरूरी दोस्तों इसमें अवेयरनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बाकी सब चीजें तो सरकार अपने तरीके से कर रही, लेकिन जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। अवेयरनेस चलानी जानी चाहिए। भयानक, हम लोग इतना चिल्लाते हैं यहां पे, लेकिन हम लोगों के वीडियो भी सीमित ही लोग देखते हैं, हर कोई नहीं देखता है। व्हाट्सएप पे सुबह सुबह फालतू का मैसेज आएगा, ये बेकार वो बेकार, इसको मार दो उसको हटा दो, एक पॉल्यूशन वाला मैसेज भेज दो कि आज तुमको क्या करना है। सरकार को लोगों को आगे लाना पड़ेगा, लोग ही इसमें कुछ कर सकते हैं। इतनी भयानक, नरेंद्र मोदी आए जैसे उन्होंने जो वो देश को संबोधित करते हैं, वो इस मुद्दे पे देश को संबोधित करें और वो बताएं कि आपको क्या क्या करना है। नरेंद्र मोदी की बात सुनते हैं लोग तो वो बताएं क्या क्या करना है। नरेंद्र मोदी नहीं, सारे के सारे बड़े लीडर्स, ये हमारी अपील रहेगी कि जितने बड़े लीडर्स हैं वो आए रेडियो पे लगातार ये अनाउंस हो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्या आपको करना है, आप कैसे इससे बच सकते हैं, आप अपनी तरफ से क्या क्या एक्शन कर सकते हैं जिससे चीजें ठीक हो जाए। लगातार पेपर में आना चाहिए। हम लोग तो है ही, हम लोग तो चिल्लाते ही रहते, न्यूज चैनल लगातार ये चीज दिखाए, ये आपको दिखेगा ही नहीं कहीं, अगर दिखेगा भी तो बस एक आधे घंटे की न्यूज चला दी फिर खत्म। तो जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितनी बुरी कंडीशन है, तब तक दोस्तों कितने भी प्रोग्राम चलाने वो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और नहीं हो रहे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद देखिए, ऑड इवन स्कीम आई, वो एक अच्छी स्कीम थी, क्यों? क्योंकि उसका बहुत हो हल्ला हुआ, लोगों को पता चला कि हाँ ऑड इवन, भले ही उसका देखिए पॉलिटिक्स है, अब आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो लोगों को कम से कम पता तो था कि यहां पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यहां पे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आप उनको अवेयर करिए। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इन चीजों में अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है। जब तक लोगों के मन में बात डालोगे नहीं, तब तक लोग तो ऐसे ही घूमेंगे। तो भैया ये हमारी अपील है, कोई सुन रहा हो तो प्लीज इस पर थोड़ा सा गौर करें। तो इसीलिए मैंने बताया कि दिल्ली बहुत बड़े खतरे में, और AQI जो है वो दिल्ली का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि यहां पे बोला ये जा रहा है कि देखिए इस ये ठीक हो जाएगा, है ना, ये ठीक हो जाएगा। देखिए इस समय कंडीशंस ऐसी हैं, हवा बहुत कम है, हवा ने अपना डायरेक्शन, हवा होती है तो ये पॉल्यूटेंट जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन हवा ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया दिल्ली में, इसीलिए पॉल्यूशन नहीं हुआ, हवा चली। फिर उसके बाद स्टबल बर्निंग की जो अभी इस समय ये पीक सीजन होता है, ये मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है, आपको पता ही है कि इस समय मौसम चेंज हो रहा है, जाड़ा आ रहा है भैया, सर्दियों का आगमन हो रहा है, तो इसमें पॉल्यूशन वैसे ही बढ़ता है। लेकिन दोस्तों मैं चलिए मैं सारी बातें मान लेता हूं, लेकिन आप कभी भी किसी भी टाइम AQI उठा के देख लीजिए, ये 300-200 रहता ही है, और ये भी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, 300 भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि बहुत बुरा ना होने से बुरा अच्छा है, बुरा हो जाए बहुत बुरा ना हो, अरे अच्छा क्यों नहीं कर रहे हम उसे, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे, देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।